के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सत्ता समारोह के मुख्य महोत्सव एवं पारितोषित वितरण समारोह की तैयारियां हुई पूरी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 715 छात्र छात्राओं को करेंगे पुरस्कृत। स्मारिका का भी होगा विमोचन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कानून व विकास कार्यों की समीक्षा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिए विशेष निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने पराली जलाने की स्थिति की समीक्षा। कहा, मनरेगा के मजदूरों से पराली कटवा कर भेजा जाए गो संरक्षण केंद्रों पर। लापरवाही पर नपेंगे संबंधित अधिकारी। जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ एसएसपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, बेहतर है जिले की कानून व्यवस्था, एम्स में बनेगा नया थाना। खुले में शराब पीना पड़ सकता है महंगा, पुलिस कर रही है चेकिंग। पकड़े गए लोगों का चालान के साथ हो रहा है काउंसलिंग। एसपी सिटी ने कहा, मादक पदार्थों के रोकथाम के साथ महिला सुरक्षा पर भी है विशेष नजर। चौदह दिसंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित भारत बचाओ रैली में जिले के 1000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग में 11वें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास के स्त्रोत विषय पर आयोजित हुआ व्याख्यान। ऐतिहासिक साहित्यिक स्त्रोत पर की गई चर्चा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत कवि गोष्ठी का हुआ आयोजन। 12 संस्थाओं के 36 उदीयमान कवियों ने दी अपनी प्रस्तुति। सात दिवसीय आयोजित दूसरे दिन के श्रीमद् भागवत कथा हुई संपन्न। भागवताचार्य सुश्री आस्था भारती ने कहा, मानव और प्रकृति के बीच पुनः सामंजस्य करना होगा स्थापित। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस की तैयारियों में जुटा मसीही समाज। कैरल गायन के साथ आयोजित हुआ विशेष प्रार्थना सभा। और अंडर 14 टैलेंट सर्च क्रिकेट प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन। चयनित खिलाड़ियों को मंडल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दी जाएगी ट्रेनिंग।